बिल्कुल पूरा परिवार सब तेरे साथ हैं। है गोल्डन बटन का सेलिब्रेशन। देखो भाई सीनियरिटी से आओ। वो कह रहे थे छोटा राजा भालू। सारी तैयारी जितनी भी है सब सैंडी की है। थैंक यू आप सबको दिल से बहुत 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 सारा ढेर सारा थैंक यू। गोल्डन बटन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कुछ खा पी लिया? खाना खा लिया। अच्छा लकी ये बता कोई फोन वोन आया? किसका? वहीं से थाने से दोबारा जब से हम तुम आए। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। अब एक चीज और ध्यान रखियो बेटा, तू कई बार ऐसा ना घंटी बंद करके रखता है फोन की। नहीं, नहीं, थाने वाने से फोन घंटी चालू रखियो बेटा। तेरी मम्मी ये कह रही है इसका वो गोल्डन बटन बहुत, क्योंकि हम भी कोई नहीं थे आज मैं भी रुका हूँ यहाँ, ठीक है। ये कह रहे आज गोल्डन बटन का वो करेगी, आज ये खोलेगी, तो ये कह रही है कि शाम को तू और नीतू आ जियो। नीतू अभी तो दिल्ली है भाई, वो मेडिकल लैब तक आएगी वापस। अच्छा तो देख ले उसे फोन करके बोल दी और तू आ जियो 6 बजे के करीब। यानी पूरी क्या बजे? हाँ 6 बजे तक काटेंगे। आ जाइए लगे। हाँ ठीक है ठीक है, 6 बजे काटेगा। ठीक है हाँ। चलो मम्मी ने भी कह दिया, मैंने दोनों ने ही कह दिया। और बेटा सुन परेशान मत हो, बिल्कुल पूरा परिवार सब तेरे साथ हैं। ठीक है ठीक है। हाँ हर और सुना अब देख, तुझे मैं पीट सकता हूँ, तुझे मैं धमका सकता हूँ, तुझे मैं डांट सकता हूँ, नीतू को डांट सकता हूँ, वो मेरा अधिकार है अपने लिए। लेकिन बाहर वाला कोई करेक्टर पे ऐसे मेरे घर परिवार और मेरी बहू के लिए बोल जाएगा, इतना वो नहीं हो, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ नहीं, मैं तो उससे एक चीज कह रहा हूँ, माफी वो मांगे साले जेल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट कभी भी ऐसी कोई चीज हो बेटा, सबके सब देख, तू देख, तू तो विक्की को भी जाने, विक्की भी देख सुबह से उछल रहा है बहुत, और रिकी भी बहुत ज्यादा भाई, इनको खींच खींच के लाओ, खिंचवा के लाओ। पहले सामने अंदर ना, कोई माफी नहीं, पहले सामने आएगा पुलिस पकड़ के लाएगी। हाँ कोई नहीं, अंदर से अंदर माफी मत करो, क्योंकि ऐसा ना अभी हमें यही नहीं पता ये बंदा है कौन। मैं भी लाइव भी गया हूँ, लाइव भी। सामने तो आंदो। ऐसा सुना, एक बार कुछों का तो बंद होना, जेल जाना जरूरी है, ये चीजें जब ही रुकेंगी बेटा। सुनो, मैंने जाके लाइव पे बोला, मैंने कहा हेट कमेंट तो चलेगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जरूरी नहीं है सबको पसंद आ जाए मेरी वीडियो। लेकिन आप उसका एक पेज बना के अलग से उसकी फोटो एडिट करके गंदी गंदी पिक्चर लगा के उसमें, अगर आप नहीं नहीं वो तो बहुत, अरे भाई मेरा तो अच्छा अच्छा, तेने भी मुझे जो कल जो वो भेजी थी उसमें व्हाट्सएप पर, वो एक दो ही भेजी थी, लेकिन मैंने तो जब आज जब तेने दिखाया गट्ठर का गट्ठर, मेरा तो साला खून खोल गया। वो बहुत अच्छे लोग हैं, सामने आंदो लोगों को, चेहरा सामने आंदो, आंदो लठ पड़ने दे, पुलिस लठ बजाएगी, पता चला कि मान लो किस साइड का कौन लोग है ऐसे। उसने तुरंत डिलीट कर दिया अपने मैसेज। तो देखिए ये मैं दिखा रही हूँ जो बम्बई से मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, ये मेरे दो बैग, एक ये बैग है ओहो, और ये उठ भी नहीं रहा, भरने पड़े। अब इनके मैं टॉप दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ अपने कपड़े, वो दिखाऊंगी और इनके प्राइस के साथ। ये देखिए कितना प्यारा है, मतलब एकदम बिल्कुल यूनिक सा टॉप है, कितना प्यारा लग रहा है। ये है 1995, मतलब 2000 मानो। ये है वन पीस ड्रेस, या फिर इसके साथ में लेगी भी पहन सकते हैं ये। और इसका देखिए ये बैक नियॉन कलर मैंने लिया है, 2495, मतलब 2500 का है ये। और एक ये देखिए वन पीस ड्रेस, ये है 2495, वही 2500 की, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, ठीक है रेट। और आप कमेंट्स करके बताना कि आपको प्राइस इनके कैसे लगे। ये है एक प्लाजो लोवर, क्या है ये है 1400 का। ये देखिए ये कितना प्यारा टॉप लग रहा है, ये मैं ब्लैक जैगिंग पे पहनूंगी, कितना प्यारा लगने वाला है। वही इसका तो ना टैग निकल के कहीं गिर गया, बहुत ही प्यारा टॉप, बहुत प्यारी, 2200 का। और ये देखिए ये मैंने लिए एक पार्टी वेयर, मतलब बहुत ही, अब तो थोड़ी फिर भी ठीक लग रही है, वहाँ पे तो इतनी भड़काऊ लग रही है कि बस ऐसे मन करा के ले लो। ये देखिए ये किसी पार्टी में पहने हुए मिलूंगी आपको जरूर, मैं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ कभी भी। और ये है 2000 की, और ये देखिए ये बहुत प्यारा लगा, चिकनकारी टॉप, इनके टैग भी छुपे पड़े हैं, 1500, 1500, सिर्फ 1500, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मतलब
तीन के बीच के हैं ये सारे कपड़े, मतलब ऐसा। ये देखिए ये भी शर्ट प्रिंटेड अच्छी लग रही है, और ये भी है भाई, ये भी है 1400 रुपए की। आज अभी कपड़े बिक रहे हैं डेनिम का कॉट सेट, प्यारा लगने वाला है। ये है 3000 रुपए का सेट है, और ये है इसका, ये ऐसे भी पहन सकते, किसी और टॉप पे पहन सकती हूँ। तो ये है कॉट सेट। और एक चीज और मैं बता रही हूँ, इन्हीं के बीच में है को आ जा, है को आ जा। अगर मेरा एक भी कपड़ा इधर से उधर हो गया या खो दिया, सुन लो इधर को, ही गर्मियों में तो पहनूंगी ना। अभी तो जैसे जोन से बैग में से मैं कपड़े लगा रही, मेरा पैक कर दे, ऐसे ही रखिया। अगर तूने पता क्या करा, अगर तूने यहाँ से वहां रख दिए, अभी अभी मैं 2-3 जोड़ी ऐसे गर्म कपड़े लेकर आई हूँ जिसके मुझे अंदर का इनर नहीं मिला, किसी का कुछ नहीं मिला, वो मुझे लगा अगली साल ही मिलते दिखे, और जब तक फिर मेरा मन भर जाता हूँ ना देख देख के ही। सबसे ज्यादा कपड़े खोने वाली घर में ये रही, आपका ठीक कर दूंगी अगर एक भी मेरा कपड़ा खो दिया तो, सोच लिए। ये है मेरी पैंट, मैं एकदम बिल्कुल अलग कलर की ली, इसमें व्हाइट कलर का टॉप, ब्लैक कलर का टॉप पहन के बहुत प्यारी लगने वाली है भाई, सिर्फ 1800 रुपए। मैं बहुत अच्छी बार्गिंग, मतलब बार्गिंग क्या, मतलब बेच लूंगी रख के कहीं पे भी। और ये देखिए कितनी प्यारी, ये इस पे ब्लैक टॉप पहनूंगी, कितना प्यारा लगने वाला। और इसके प्राइस कहाँ गए, प्राइस कहाँ गए, प्राइस कहाँ गए। और ये है 1600 रुपए, सिर्फ 1600 रुपए। ये पैंट 2000 रुपए, और एक ये टॉप बहुत प्यारा लगने वाला है, व्हाइट कलर का, बहुत अच्छा ऐसे पहनूंगी, बहुत प्यारी लगूंगी। और ये देखिए, ये ऐसी कोई भी पहन के जाओ, उसके ऊपर से ऐसे डाल लो, आजकल फैशन में सब कुछ चल रहा है वैसे, बिल्कुल ऐसा जैसे पिन्नी कागज कुछ होता है ना वो। और एक जैगिंग ट्राउजर, जैगिंग जो भी है, बॉल बॉटम टाइप ये, और इसमें प्यारा सा एक यहाँ पर कट भी है, ये देखिए। और एक ये डेनिम, ये बहुत स्टाइलिश है, एक छोटा सा डिजाइन इसमें नीचे लिखा हुआ, और ये देखिए, और स्ट्रेच इतनी है रबड़ की तरह ऐसे खींच रही है, वही मुझे कुछ चाहिए। एक ये देखिए कॉट सेट, जो आजकल सेटन में कॉट सेट चल रहे हैं ना, वो ये है, और इसमें ना यहाँ आगे से बड़ा प्यारा सा डिजाइन भी दिया हुआ है, जो मतलब अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, जिसकी बेल्ट लगाते हैं ना ऐसा। अब मैं खोलती हूँ दूसरा बैग, एक भी कपड़ा इधर से उधर ना हो जाए, और तय बना के रखिए कभी ऐसी फेंक दे, कपड़ा खोने वाली है, इसका नाम ही ममता से छोड़कर कपड़े खोने वाली कहाँ गई। ये वो शॉपिंग है जो चलते चलते हुई थी ना, वह गाड़ी बुला लो और चलो 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 चलो, एक शॉप में घुस गए फटाफट ले डाले। और टाइम होता ना, अगर मेरे पास पूरे दिन का टाइम मिले मुझे, पूरा एक ट्रक भर के ही लाऊंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कॉट सेट से। ऑरेंज कलर लिया है मैंने पहली बार, देखिए ये। और ये मैंने पता है क्यों लिया है भाई, अयोध्या का मंदिर बन गया, राम आने वाले हैं तो राम आएंगे। मैं सोच रही हूँ कि जब वहां पे जाऊं, नहीं वहां तो मैं कुछ सूट वूट वैसे पहन के जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, देखो अपना ये वाला कलर कितना प्यारा लगेगा ये जब मैं कॉट सेट पहन के जाऊंगी। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है बम्बई से कपड़े खरीदने, मैं इसीलिए वहां जाती हूँ। मेरा वहां पे कोई काम नहीं है, इनकी मीटिंग थी और मेरा था सिर्फ शॉपिंग करने का, इसीलिए मैं चले जाती हूँ। और अगर मेरे से कभी पूछते हैं ना कि बम्बई चलना है, चलो चलो, क्योंकि मेरा ये शॉपिंग का काम सबसे ज्यादा। ऐसे वाले कपड़े मेरे को यहाँ नहीं मिलते कहीं दिल्ली विल्ली में। और ये देखिए कितना प्यारा टॉप, और कलर कितना प्यारा है इसका। और इनके हमने प्राइस ना बताया, बोलती रहे कंचन कर दे कुछ काम मेरा हल, बता दे। एक कॉट सेट ये रहा, ये मर्जेंटा कलर अच्छा लगने वाला, तो मैं कॉट सेट ज़्यादा लाई हूँ कुछ। ये देखिए प्लाजो के साथ, प्लाजो के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पूरा लॉन्ग वाला जो वो शॉर्ट से होते हैं ना वो नहीं। एक ये देखो पिंक कलर, बेबी पिंक कलर बहुत प्यारा लगेगा। और ये इस पर कहीं छोटी मोटी पार्टी भी हो ना, बर्थडे वगैरह ऐसे है, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं इसे पहन के जाके। और ये देखो गोल्डन शर्ट, मेरी गोल्डन बटन की इतनी तैयारी है क्या ही बताऊं। ये गोल्डन शर्ट है और ये हाई नेक के साथ है, इसमें पहनो। और ये शर्ट ये भी अच्छी लग रही है, ये भी मैं पहन सकती हूँ। और ये बताओ भाई मेरा गोल्डन बटन रखा, हाँ आपसे एक बात पूछनी है, डिस्कस करना आपके साथ में, मेरा गोल्डन बटन आया रखा कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, कितने आने के 3 महीने हो लिए, तो 3 महीने से मेरा गोल्डन बटन रखा है, कभी बच्चे इधर हैं कभी उधर हैं, तो मैं अकेले पार्टी करूं कैसे। तो मेरे को कमेंट्स करो, बताओ, और सारे बच्चों से कहो कि मेरे साथ ही रहें और मेरी भाई पार्टी करवा दें, मेरे बटन की ओपनिंग करा दें, और आप सब भी मेरे साथ होंगे और ये भी सब साथ रहें, तो मैं ओपनिंग करना कब से सोच रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही। और ये देखिए ये कितना प्यारा टॉप है, शर्ट टाइप। और पता है ये मेरे को इतना अच्छा लगा कि ये मैंने 2 ले लिए सेम, ऐसा कोई देखा है आपने कि जो चीज़ अच्छी लगे एकदम 2-2 ले लो उसकी। ये देखो ये भी ले लिया मैंने इसकी, ये ब्लैक टॉप देखो कितना प्यारा है, डेनिम का कुछ थोड़ा सा डिजाइन है डेनिम की एक स्लीव से, हाँ। और एक कॉट सेट ये रहा, ये प्रिंटेड है। और ये देखिए अगर अब मैं इन कपड़ों में मिलूँ, समझ लो भैया बम्बई से खरीद लाई और रोज रोज पहन रही हूँ। और एक ये देखिए ड्रेस, ये वन पीस है और ये है इसकी बेल्ट। तो मैं अभी करवा रही हूँ माँ के लिए डेकोरेशन, उनके गोल्डन बटन की सेलिब्रेशन के लिए। तो आप देख सकते हो ऐसे देखो गोल्डन गोल्डन है यहाँ पर बहुत कुछ, ये पूरा खड़े होकर यहाँ लगेगा।
और मजा आएगा, बलून वगैरह होंगे, बहुत अच्छी डेकोरेशन होगी, शाम को सेलिब्रेशन होगा अच्छा। तो बस वेट करने भी तो टाइम लगेगा, इसमें 1 घंटा लगेगा कुछ इसको पूरे सेटअप होने के लिए। और भमोगे लगी पैर में चोट। ये मेरा लिगामेंट को भूला है, अगर दे दे डांस नहीं कर पाऊंगी, डांस मत कर, दम निकला रखा है पहले से, कैसे करो डांस, मतलब उछल कूद ज्यादा ही करती है, लिगामेंट खराब हो गया मेरा उछल कूद से। मतलब भाई देखो ये गोल्डन और उसके सामने मेरा कुछ नहीं है गोल्डन, मतलब कौन असली गोल्डन बॉय होता है, पीना पड़ेगा गोल्डन, कौन असली गोल्डन भाई, वाह तू ही गोल्डन गोल्डन, मतलब हद ही कर दी गोल्डन भाई। मेरे को ये वाला गोल्डन पर और राइट लगा था। ये मैंने पहना है स्नैक सेट गोल्डन का, इसे हम लॉन्ग भी करके पहन सकते हैं और शॉर्ट भी करके पहन सकते हैं, तो मैंने पहना है शॉर्ट। मैं खड़ी खड़ी तो सकती हूँ, मतलब चल नहीं सकती, चलने से लाचार हूँ मैं, सुबह ही दिन डॉक्टर के यहाँ निकाल रहा है मेरा, 11 बजे पहुँच जाऊंगी। गोल्डन पहनना है ये क्या, किस रूप में आया तू गोल्डन, ये चोटा ये पहन के मेरी पहन के है। मैं गया इसके पास ढूंढने के लिए हाईनेक ब्लैक कलर की, देखिए होगा हाईनेक क्या बात है, अब मुझे देखिए ये, अरे ये क्या है, इसे निकालो, देखिए तू तो पहन लगा और जब मैंने पहनी तो आगे खुली की खुली रहेगी, चेंज कर दो गोल्डन तो नहीं, गोल्डन देखिए तो कहते मैं गोल्डन बॉय हूं, मेरी पहले पहना हूं थैंक यू सर गोल्डन। वन मिनट देखा मैं नीचे स्टाइल मारते घूम रही है, ये देखो ये देखो मैं उतरा एकदम, हां साथ खान का पोज, बाकी के तुम रुक देखोगे तो उसमें मारेंगे। ये तो मेरे को पहननी थी और मैंने पर ये पार्टी रख दी, फिर उसके बाद सोचा आज नहीं एक दिन बाद हो जाती क्योंकि मेरे साथ चला जा रहा नहीं कुछ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बैठे बैठे तो करना है, और देखो मेरा गोल्डन मिरर, मैं आज मैं गोल्डन नहीं दे पा दूसरी निकाली थी तो वो ममता खोकर बैठी है, ये नहीं एक बार निकाली थी गोल्डन ड्रेस की, ये पहननी है उसे कहाँ रखी आई, फिर मैं एक साइड में लेकर आई थी कि अगर ज्यादा ठंड हुई तो वो भी पहनूंगी मैं, ये है मेरा गोल्डन लुक आज का, पर करण से ज्यादा फिर भी फीके है, किसी का भी नहीं है इतना, इतने फीके, ये तो आपको पहननी चाहिए थी, असली गोल्ड है ये, हमारे पॉपर टाइप ये सब है फर्जी गोल्ड, 18 कैरेट 24 कैरेट, बल्कि मुझे इस कलर को देख रहा है कुछ 26 भी होता होगा, मैं ये मैं तो यूँ कह रही हूँ 18 कैरेट पहनो अपना पहनो, जिसमें गोल्डन बटन है ये ममता ने कहीं निकाल के रख रखा हो, गोल्डन बटन ममता के होता कुछ भी हो सकता है, एक बार चेक तो कर ले जरा सा चक्कू से कट कर हैवी गोल्डन बटन, मुझे पता ही नहीं, मैं तो यही लग रहा है जैसे मैं दावत में आई हूं, मैं आओ मैं तो दावत में आई थी हूं, मैं पाई का कोई रोल नहीं था वैसे, बेटा पाई अगर पहन के तो सही बहुत भारी है रख ले ये, तो आ गया है माँ का केक, भम्मू की दुनिया कॉन्ग्रेचुलेशन, ये केक इतना सुंदर लग रहा था, मैंने उसको पिक्चर दिखाई थी कि हमें ऐसे ही केक चाहिए, उसने ऐसे ही बना के दिया बिल्कुल, भाई देखो बहुत सुंदर केक है ना, फायर वाली अब फायर कर लो, भाई कह रहे मैं असली से कर दूं असली ना, देखिए आज हो रहा है गोल्डन बटन का सेलिब्रेशन 1 मिलियन का, और फिर जल्दी से 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन मेरा फटाफट कर दो जल्दी से, फिर ऐसे ही करूंगी, डायमंड बटन भी मंगवा दो, ये गोल्डन की अब डायमंड की करूंगी फिर, भाई मैं गोल्डन में गोल्डन गिफ्ट लेके आया हूँ, तो गोल्डन गोल्डन गिफ्ट, अरे भाई ये तो बड़ी गिफ्ट है, तो 2019 में मम्मी ने बिला के नंबर समझ दिया अगला को यार फोन पर लेगा गोल्डन, सब लोग समझो गोल्डन पेन था तेरी तो उसने पहन लिया था, किसी की किसी ने किसी की किसी ने, अच्छा मैं गोल्डन हो सके ऑर्डर बना आउट हूँ, देख भी रहा हूँ धीरे में मेरे कपड़े दिख भी रहे हैं, बैठी को विक्की ले लेगा बता दी मुझे कब लेना हो, क्या मुझसे इससे पेशेंट है ये तो तैयार कर ले केक कटा का पहले क्या की, अरे चाकू आपको दे क्या भैया, ये बटन लाओ पहले केक कटवा दो, चलो वो ले, तो सभी लोग आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, सब आराम से मैं, ये फील भी हो सकता है, चलो स्टार्ट करो, अरे बोलना क्या काटो यार, आप किसके मुंह पर मत करना, तब नहीं
अरे वो चलाई नहीं, वो तो चल गई। नहीं तेजस्वी लोग हैं हमारे पास चले तभी तो। हेलो मैं उधर ही देख रही बैंडिंग भाई से मजे लूंगा भाई भाई अरे है इधर है ब्लॉग है बहुत बने इसमें साथ में हो गए तो हो जाएंगे इतनी सारी चम्मच क्यों लाई है ओए मुझे भी मुझे छोड़ दो भाई रह जाए पीछे आ जाओ भाई देखो सीनियरिटी से आओ अल्लाह ने तू मुझे इसमें से मैं अपना भी साथ के साथ ले लूं लेकिन मोती 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 खाने मोती खाए खाने वाले हैं मोती खा सकते हैं क्यों नहीं खा सकते बाय नमस्कार चलो और 10 मिलियन जल्दी से आ जाए अब आ जाओ भाई वो कह रहे थे छोटा राजा भालू भालू छोटा भालू मम्मी के ब्लॉग के मोटिवेशनल स्पीकर पहले मैं खिला रही आप खिला रहे हो चलो आप खिला दो ये सारी तैयारी करिए ये सारी तैयारी जितनी भी है सब सैंडी की है केक मंगवाया है और इसने सारी तैयारी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो लंगड़ी पड़ी हूँ 2 दिन से तो भाई सब कुछ ये कर रही है मैंने भाई मैंने 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 रिकी ने इससे हमने बस पेमेंट करवाया है खुश रहो भाई हां खुश रहो खुश रहो तो मेरी की वीडियो बिगाड़ अभी जल्दी से ऐसे ही केक कट सैंडी का हो मैं करूंगी मेरे भी जल्दी जल्दी 1 मिलियन कर दो भाई सैंडी के भी कर दो भाई सबका हो गया हम एक रोज भी तो देंगे मां को ऐसे वाला लो और वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मम्मी को अभी रील सोच रही है वो ये है यूट्यूब से आया हुआ गोल्डन बटन मम्मी करो अनबॉक्स अपने आप ये क्या सर्टिफिकेट बोलो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे आपने कितनी मेहनत करी है इसके बारे में बताओ ये मेरा गोल्डन बटन है तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है अगर मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती तब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ सब लोग मेरा साथ देते हैं और ये आपकी वजह से है अगर आप लोग नहीं इतना प्यार देते इतना सपोर्ट नहीं करते तो ये कभी मेरे हाथ में नहीं होता तो थैंक यू आप सबको दिल से बहुत 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 सारा ढेर सारा थैंक यू इनकी मेहनत आपका आशीर्वाद आपका सहयोग आपका प्यार इसकी वजह से है ये मेरे हाथ गोल्डन बटन तो भाई मैं आज इतनी थक गई हूँ कि अब फोटो शूट हो रहा हमारा बैठ गया मैं बैठ गया आराम से क्योंकि पैर में तो लगी हुई है तो ज्यादा मेरे पे खड़ा भी नहीं हो जा रहा बैठ नहीं रहा घुटना क्या कर रहा घोटू आज कूद कूद के सब तोड़ा पोड़ी कर रखी है बचपन में मैं और रिकी इतना खेलते थे गिरते रहते थे एक मामा थे हमारे ठीक है मतलब मामा है हमारे वो बोलते हैं घोटू पोटू सब खोल रखे वो हालत मेरी हो रही है इन्होंने इतनी मेहनत की है इसे लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है बहुत बड़ा सहयोग है आप सबका भी और इनका जो ये मतलब एडिट करते हैं मैं तो क्या है मैं बना के और छोड़ देती हूँ सब काम इनका रहता है एडिट करनी कैसे करना कैसे डालना है और सारी जितनी भी मेरी कमियां होती है सब कुछ ये पूरे करके अच्छे से निकालते हैं और सब डालते हैं तो ये है मेरी टीम कांग्रेचुलेशन थैंक यू बहुत जल्दी
आप लोग ऐसे ही साथ रहोगे और जुड़े रहोगे तो 10 मिलियन भी कोई लाना बड़ी बात नहीं है। हमारी फैमिली मेंबर है सब लोग, इन्हें भी बुलाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत साथ देते हैं। जहाँ भी मेरे को शूटिंग करनी होती, शूट करना होता है, भैया ये ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सारा काम इन लोगों का रहता है। और बहादुर मेरे को जल्दी से खाना पीना बना के जल्दी से खिला देते हैं कि मैडम को बहुत सारी शूटिंग करनी है। छोटू कहाँ गया? मैडम तो सुपरस्टार है ये, लेकिन हमको भी बना दिया थोड़ा, क्योंकि हमको भी पहचानने लगे, हमारे भी कॉल आ रहा है। देखो हंसते हंसते गोल्डन बटन की खुशी में जल्दी छोटा सा हो जा। देखिए गोल्डन बटन की पार्टी हम कर चुके हैं, मतलब हो गई है, सबके फोटो शूट हो गए, खूब सारी रील्स बन गई। और इस चीज के लिए मैं आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू करूंगी कि आप ही की वजह से आज मैं गोल्डन बटन बनाया, ये मैंने ड्रेस पहनी है, पूरा गोल्डन सजवाया है। आप इतना प्यार करते हैं, इतना साथ देते हैं, इतना सहयोग करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, मतलब जो दिल खुश हो जाता है सुनकर। जब मैं पढ़ती हूँ, अगर कितनी भी टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ, जिस टाइम मैं आपके कमेंट्स खोल के बैठती हूँ, कितने प्यारे प्यारे आप लोग करते हो, कितने प्यारे लोग हो आप, तो उसके लिए दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सही प्यार बढ़ाते रहिए और मेरा डायमंड बटन जल्दी से लेके आए, आपकी वजह से ही आएगा डायमंड बटन भी एक दिन, तो एक दिन डायमंड बटन की पार्टी होगी। और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, सहयोग बनाए रहिए, थैंक यू। और देखिए काफी लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि हमें आपसे मिलना है मिलना है, तो बिल्कुल आपको मिलना है, आपका हक है मिलना मेरा मुझसे, और हम जल्दी ही कोई मीटअप रखेंगे और आप लोगों से मिलना होगा। सब लोग ग्रेटर नोएडा में किसी दिन मीटअप रखा जाएगा और आप टाइम निकाल के बताइए और मैं भी अपना टाइम देखूंगी, तो सब लोग मीटअप रखेंगे और सब लोग आइएगा, बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे हम मिलके। और देखो भाई मेरे लिए भगवान जी भी इतने खुश है, ऊपर वाला इतना खुश है, ऊपर वाले की कृपा है कि पटाखे अपने आप से छूट रहे, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, और ये पटाखे कौन मेरे लिए छोड़ रहा, तो देखो मेरे लिए कितनी खुशी है कि मैं मेहनत करती हूँ दिन रात और आप लोग भी मुझे इतना प्यार और सहयोग देते हैं, तो देखिए आज कैसे दम 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 पटाखे। मतलब ऊपर वाले ने क्या टाइम रखा है, ये ऊपर वाले ने फिक्स किया, आगे अपने आप पटाखे छूटेंगे बिना खुद के छोड़े, इतना प्यार मिल रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पेट पूजा का नंबर और हमारे सब लेट करने जा रहे हैं, समोसा की चटनी प्यार है। तो ये है जीरो की बॉल, चम्मच रख दो यार, स्पून और चम्मच रख दो थोड़ी सी, सबके नाम का प्लेट निकाल लिया, हर प्लेट ले पकड़, हां समझदारी का काम कर रही है। लो आओ आओ, एक हाथ में चाकू रखूंगी तो डर जाऊंगी, लेंगे कैसे, नेक्स्ट इन लाइन, नेक्स्ट साल नहीं, मुझे ले जाती थी कैसे, मैं तो वही जाने वाली थी हमारे साथ तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने सीरो की वजह छोड़ा, वो तो फिर भी रह जाता उसका एक बार को, लेकिन ये नहीं रहता, ये खाना बंद कर देता अपनी मम्मी के बिना, रहता है ये, देखो देखो कैसे देख रहा है, सीरो बहुत ही प्यारा है, ये मम्मा के बगैर रहता ही नहीं है, खाना बंद पीना बंद, सुस्त हो जाएगा, चुप हो जाएगा, ऐसा है, सलूट है मम्मा को, मम्मा हो तो ऐसी कि विदेश घूमने का ही कैंसिल कर दिया आपने सीरो के लिए, ये तो सीरो की वजह से सीरो मम्मा नहीं जाए कहीं भी, मम्मा सिर्फ सीरो के पास रहेगी। बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि मम्मी वगैरह कहाँ क्यों नहीं गई साथ में ये वो, तो भाई ये रीजन था, मम्मी ने खुद ही बता दिया, ये मेरा रीजन है, मैं क्या बताऊँ ये सब चीजें, मम्मी ने खुद ही बता दिया कि हाँ भाई ये ऑस्कर भी है पर ऑस्कर रह जाता है, फिर खिला दो प्यार से।
मिला दो रख लो, जैसे कोई भी किसी भी छोड़ जाओ तो ये बताओ। जब हम एक बार अभी 6-7 साल पहले वहां गए थे सिंगापुर, तब हमारे यहाँ कौन सा था? वो डुन्नू। डुन्नू था। इसे डुन्नू की इतनी याद आई कि हम वहाँ पर 2 दिन का अपने टूर को और बढ़ा रहे थे। इसने मना कर दिया, नहीं बढ़ा नहीं, मुझे डुन्नू की याद आ रही है। डुन्नू क्योंकि वहाँ उसे वीडियो कॉल पे देखते थे ना, उसने खाना पीना बंद कर दिया था, सुस्त सा रहता था, ऐसे उसकी आंखों में से आंसू इन्होंने बताया। तो हम लोग भागे आए सिंगापुर से, ट्रिप में से जल्दी से भागे आए हम वहाँ से।